जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण, मेरे यूट्यूब चैनल श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सबको अंक ज्योतिष के मूलांक के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 1 होता है। तो इसी 1 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए 2019 कैसा रहेगा, यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मित्रों, 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक हैं, उन सब का मैं बताऊंगा, एक एक करके आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप देखते रहिए, आपकी भी जन्म तारीख इन्हीं वीडियो में आ जाएगी, तो आप जान सकते हैं कि आपका 2019 कैसा रहेगा। आज बात करते हैं मूलांक 1 वालों की। इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। चलिए आज बात करते हैं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की दिनांक 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। उन लोगों के लिए शुभ रंग है पीला, नारंगी, सफ़ेद, हरा एवं लाल। इन लोगों का शुभ दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार एवं गुरुवार। 1 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए 1, 2, 3 एवं 9 ये शुभ अंक है। जिनका मूलांक 1 है, उनके इष्ट देव है सूर्यदेव। सूर्यदेव के लिए आप प्रातः सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, ये आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब बात करते हैं मूलांक 1 वालों के व्यक्तित्व के बारे में। जिन लोगों का मूलांक 1 है, मूलांक 1 के जातक प्रायः दयालु, देशभक्त एवं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें जीवन में दबना पसंद नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। डरते नहीं हैं ये लोग, और गुस्सा इन लोगों को जल्दी आता है। किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। कठिन परिस्थिति में पिता से सलाह है सूर्यदेव की आराधना, पूर्व दिशा में बैठकर ध्यान और सूर्यदेव को नमस्कार करना, ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आप सूर्यदेव की उपासना करें, अपने पिता से परामर्श लें। अब बात करते हैं मनोस्थिति की। जिनका मूलांक 1 है, ऐसे जातक का मन इस वर्ष स्थिर रहेगा। मन में विश्वास और कार्यों में लगन का संचार रहेगा। ज्ञान की दिशा में प्रयासरत होंगे ये लोग और ज्ञान अर्जित भी करेंगे। वर्ष के मध्य में मन विचलित हो सकता है, ध्यान से संतुलित करें, विश्वास से किए सारे कार्य सिद्ध होंगे आपके। अब बात करते हैं 1 मूलांक वालों की नौकरी और व्यवसाय कैसा रहेगा 2019 में। 2019 में जिनका मूलांक 1 है, यह वर्ष आपको नित नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आपके ज्ञान और विवेक से आगे के मार्ग स्वतः खुल जाएंगे। वर्ष के मध्य में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अपने आत्मविश्वास को आहत ना होने दें। विश्वास और अति विश्वास में तिल मात्र का अंतर होता है मित्रों, इसका ध्यान रखकर सभी कार्य करें, दंभ से बचें, अन्यथा मन भेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारणवश हानि हो सकती है आप लोगों को। इस वर्ष आपके आसपास के लोग भी आपके ज्ञान से अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। यह था नौकरी व्यवसाय के बारे में। अब बात करते हैं 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जिन लोगों का मूलांक 1 है, आप ज्ञान के सागर हैं, अतः सीमा में रहकर धन व्यय करें। यह वर्ष आपके लिए अनुकूल है, अतः इसका लाभ उठाएं। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। वर्ष के मध्य में अनावश्यक वस्तुओं और कार्यों में धन व्यय होगा, किंतु इसे नियंत्रित करना आपका प्रमुख कार्य होगा। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर भी धन व्यय हो सकता है। यह वर्ष ज्ञान की दिशा में अत्यधिक व्यय कराएगा आपका।
अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। इस वर्ष एक मूलांक वालों के ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और आप ज्ञान की दिशा में किसी नवीन कार्य में संलग्न होंगे। अप्रैल मई में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसके उपरांत यह वर्ष ज्ञान हेतु उत्तम है आपके लिए। जुलाई में भावुक होने से बचें और अपने विवेक से ही किसी निर्णय को लें। उच्च शिक्षा, विदेश में शिक्षा व शिक्षकों के लिए यह वर्ष उत्तम फलदायक है। ज्ञान के साथ ही अहंकार भी आता है, अतः इससे बचना चाहिए आपको। जिनका मूलांक एक है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस वर्ष? तो अति आत्मविश्वास और अपनी बात को मनवाने के कारण परिवार में मन भेद और वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः परिवारजनों का सम्मान करें और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। व्यर्थ की जिद्दी में आकर कुतर्क करने से बचें। पिता का सम्मान करें और उनके दिशा निर्देशानुसार ही किसी कार्य को करें। आप में ज्ञान बहुत है और इस ज्ञान को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, ना कि व्यर्थ वाद विवाद में लगाएं। अब बात करते हैं मूलांक एक वालों के लिए प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। यह वर्ष परिवार के प्रेम संबंधों को बनाए रखेगा, किंतु दांपत्य जीवन को अधिक प्रयास व समय देने की आवश्यकता है। मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु अपने विचारों का आदान प्रदान ना रोकें। मार्च अप्रैल कठिन होंगे आपके लिए, जुलाई के निकट मन आहत हो सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन साथी से विचार विमर्श करते रहें। अविवाहित व्यक्ति किसी ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिनके साथ से वे जीवन निर्वाह करना चाहेंगे। विवाह इत्यादि कार्यों में शीघ्रता से बचें। अब बात करते हैं मूलांक एक वालों का 2019 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19, 28 दिनांक को हुआ है, तारीख को हुआ है, उनके लिए यह वर्ष कैसा है स्वास्थ्य के लिए? हड्डी, पीठ तथा पैरों पर दर्द, गले का रोग व चर्म रोग होने की संभावना है। मार्च से सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जल का प्रचुर मात्रा में सेवन हितकर होगा। हल्दी व मिश्र युक्त दूध का सेवन हितकारी होगा आपके लिए। गाजर का रस, फल इत्यादि स्वास्थ्य लाभ देगा। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रखें। तो मित्रों, जिनका मूलांक एक है उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा ये मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।